बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर में भयानक आग लगी हुई है। इसकी सूचना जैसे ही चौकी इंचार्ज राघवेंद्र को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उन्होंने फोन करके बुलाया। करीब दो घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग लगे ट्रांसफार्मर पर काबू पाया। बिजली विभाग की लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। घटना लक्ष्मी नगर जमुनापार चौकी के सामने की है। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। नाम दुर्गा प्रसाद। क्या ना घटना हुई थी अभी? घटना हुई है ट्रांसफार्मर लक्ष्मी नगर प्रताप नगर में ट्रांसफार्मर आग लगी थी। बड़ी भयंकर आग लग रही थी और हमको जैसी सूचना मिली तुरंत वहाँ से यहाँ पर और लाइन के पटना आपको भेजा दिया। हाँ, कोई जनहानि नहीं हुई और कोई बड़ा हादसा हो जाता तो बड़ा हादसा। अगर ये ट्रांसफार्मर फट जाता थोड़ा देर और हो जाती तो अगर ये ट्रांसफार्मर फट जाता तो हादसा नहीं होता। अगर ट्रांसफार्मर फट जाता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? गाड़ी आ गई यहाँ पर मोटर पे, इसको काबू कर। अगर ट्रांसफार्मर फट जाता तो इसकी जिम्मेदार किसकी होती? ट्रांसफार्मर होता है बिजली विभाग की जिम्मेदारी। तो आप किसकी लापरवाही मानेंगे इसमें? लापरवाही बिजली विभाग की। आप जब यहाँ पर आए तो आपने देखा कि खूब भयंकर आग लगी हुई है यहाँ पर, बिजली विभाग का कर्मचारी आपको नजर आया? डेढ़ घंटा आप बिजली विभाग जब ये आग बुझ गई, बिजली विभाग के दो कर्मचारी हैं तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये योगी सरकार में बिजली विभाग की क्या लापरवाही आपको नजर आ रही है? नहीं, लापरवाही ये ओवरलोडिंग से आग फट लग जाती है, लेकिन ये थोड़ा बिजली विभाग डेढ़ घंटे से आग लग रही है। कोई बिजली विभाग या SDO को फोन किया हमने? हमारी जो फायर सर्विस की गाड़ी है, हम बताएं फायर सर्विस की गाड़ी है, तुरंत जैसे सूचना मिली तुरंत आप आकर के आग फटना।